एग्जाम के टाइम पे जितनी आपने पर्चियां नहीं फोल्ड करी होंगी उतने फोन फोल्ड हो रहे हैं आज। रुक ही नहीं रहे भाई, हमने फोल्ड होने वाले, रोल होने वाले सब ट्राई कर लिए अब। बट ये वाली है फिफ्थ जनरेशन सैमसंग के फ्लिप की, और इस बार भाई मेरे हिसाब से फ्लिप में स्टार्टिंग से अभी तक का सबसे बड़ा चेंज है। अनबॉक्सिंग मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक केबल आ जाती है, कुछ पुस्तकें, और अनबॉक्सिंग के लिए आजकल ज्यादा धंधा बचा भी नहीं। इसका हमने एक इम्प्रेशन वीडियो आपको बना के दिखाया था, बट भाई सबसे बड़ा चेंज इसको अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं तो ये है। इसकी स्क्रीन भाई ऑफकोर्स काफी ज्यादा बड़ी कर दी है, 3 गुना ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है। पहले 1.9 इंच का राउंड था, बट अब 3.4 इंच का डिस्प्ले हो गया। ये एक कंपैरिजन के लिए बताऊं, जो पहले एकदम स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आए थे ना, उनके बराबर का डिस्प्ले अब भाई बस बाहर वाली छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, और यह भी छोटा सा लगने लगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो चीजें बदली नहीं है और जो दिक्कत भी है थोड़ी सी। जो बेसिक प्रॉब्लम है जो अभी भी फ्लिप फोन में, नॉट जस्ट इसमें, बाकी जितने और फ्लिप्स हैं, जैसे आपका खुशी बांटने से बढ़ती है वैसी इसकी बैटरी ऐसे बांटने से कम हो जाती है, 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। तो बैटरी चेंज नहीं हुई है, अभी भी आपका एक दिन थोड़ा मुश्किल से चलता है। चार्जिंग भी अभी भी इसके अंदर स्लो चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। अंदर की स्क्रीन अभी भी थोड़ी सॉफ्ट है, अगर आप थोड़ा ज्यादा जान लगा के नाखून मार दोगे हल्का सा निशान आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी भी कम्प्लीटली डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, और अभी भी नॉर्मल फोल्डिंग फोन की तरह इसमें हल्की सी क्रीज आपको फील हो जाती है। इन प्रॉब्लम्स को अगर साइड में हटा तो दुनिया काफी रंगीन सी फील होती है। वो स्टार्टिंग कर ही रहे तो शुभ आरंभ अपना, हाथ मुंह धो के हो जाए। अरे हाथ से, मैं तो भूल ही गया था फोन मेरे हाथ में। ब्राइटनेस कम हो गई भाई, ऑन नहीं हो रहा भाई, मजाक कर रहा था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा भाई, ऑन नहीं हो रहा। इसके अंदर IPX रेटिंग है, तो आपकी छपाके पाके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं आती। बस दिक्कत यह है कि नॉर्मल फोन को आप ऐसे रख के चलाओगे, बट इसको आप ऐसे फोल्ड करके ऐसे गाने चलाओगे, यहाँ पे ऐसे गाने दिखते रहेंगे। एक चीज मैंने नोटिस करी जो आपने पता नहीं करेगी, नहीं मेरे को खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है। खुशी है कि अब ये फ्लिप फोन एक एक्सपेरिमेंटल फोन नहीं रहा, अब ये भाई एक फुल्ली केपेबल फ्लैगशिप फोन बन चुका है, और काफी सारी चीजों में एक फ्लैगशिप को भी बीट करता है। बट अब हमको पता है कि भाई एक बार ये पहुंच जाता है सही लेवल पे, उसके बाद बड़े बड़े चेंजेस एड बहुत धीरे धीरे होते हैं। अंदर की स्क्रीन ना थोड़ी सी डेलिकेट होती है फ्लिप फोन की, क्योंकि थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सीबल होती है, तो ऑफकोर्स भाई इसमें मतलब फ्लेक्स होता है, क्योंकि ऐसे फोल्ड होकर आप इसको जेब में भी रखोगे, फिर ऐसे जमीन पे भी रखोगे, तो भाई स्क्रीन एक्चुअली टच नहीं होती ज्यादा, तो इसके स्क्रैचेस वैचेज या कुछ भी बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर। और एक चीज और इसमें अगर आप नोटिस करो, इसमें ना आपको कुछ ऐसे स्क्रीन गार्ड सा दिखेगा। फ्लिप फोन में स्क्रीन होती है, उसको साथ में रखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्क्रीन लगा रखी होती है, इसको अगर आप निकालोगे बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है। ऑफकोर्स जो सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर करा है स्क्रीन के बाद, वो है इसके हिंज में। अभी पूरा ही एकदम फ्लैट बंद होता है, और बीच में एकदम ही स्पेस नहीं है, और उसकी वजह से भाई काफी कॉम्पैक्ट और काफी फ्लैट सा फील होता है। और मैं बोलूंगा हल्का सा ही बिल्ड में चेंज है, बट बहुत ही पॉलिश सा स्मार्टफोन एकदम से लगने लगा है। बट भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, बाहर वाली स्क्रीन के मैंने पूरे मजे लिए। भाई सबसे पहली चीज तो इसमें मैं टाइमर लगा सकता हूँ, फिर उसमें गाने चला सकता हूँ, हेल्थ का भी देखने कितने स्टेप्स ले लिए, रिकॉर्डिंग करनी है, सारी चीजें बाहर वाली स्क्रीन से हो जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। मैं ऐसे रख दूँ उसको, ऐसे पलट करके रख दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा रिकॉर्डिंग चालू है। और हमने जब एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशंस करे थे, उस टाइम तक सैमसंग ने बताया था भाई अपनी आप चलेंगे, 4-5 एप्लीकेशन है बेसिकली। मैंने थोड़ा जुगाड़ लिया, एक दो ऐप डाली, अब इसके अंदर हमने सारी चीजें नेटफ्लिक्स, BGMI, यूट्यूब, जीमेल, यूट्यूब वैसे पहले भी चलता था। आप लोगों को लग रहा है भाई अंदर तो अपना बढ़िया चल ही रहा है, तो बाहर से स्क्रीन एक्स्ट्रा ऐड कर भी दी तो क्या ही फायदा होगा, बाहर वाली वैसे भी छोटी स्क्रीन, मेरी लाइफ में डेफिनेटली फर्क आया। एक चीज आप कर सकते हो कि आप एप्स ना लिमिट कर सकते हो कि बाहर कौन सी चलेंगी, और बेसिकली रूप बदल जाता है आपका। जब मैं बाहर चला रहा हूं तो मैं बस प्रोडक्टिविटी देख रहा हूं, मेरे को पता है मैं बाहर गेम नहीं खेलनी, मेरे को ऐसे मैं चलाऊंगा गेम एक एक करके आपको गेमिंग में दिखाऊंगा अच्छे से, पर मैसेज का रिप्लाई करना है, मेल का रिप्लाई करना है, छोटी मोटी यूट्यूब वीडियो देखनी है, ये सारी चीजें बहुत तेज हो जाती है। और मैंने नोटिस करा भाई ज्यादातर केसेस में फोन उठाने की वजह से थोड़ी देर में चूर मचती है, इसमें बाहर से दिख जाता ना भाई कुछ है नहीं नोटिफिकेशन या कुछ, तो फिर बंदे का खोलने का मन ही नहीं करता फोन। सैमसंग ने भी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें डाली हैं ताकि मतलब ये आपके फोन के यूजेज को थोड़ा ऑप्टिमाइज करे। और भी बहुत सारी चीजें हमने ट्राई करी, सबसे पहली चीज भाई फ्लेक्स मोड इसका अपग्रेड कर दिया, तो उसमें आप भाई एक्चुअल नीचे वाली स्क्रीन से आप कंट्रोल कर सकते हो सारी चीजें। एयरपोर्ट पे ऐसे क्विकली आपको बिना फोन खोले डॉक्यूमेंट दिखाना है, वो सारी चीजें भी हो जाती हैं। एक बार स्टूडियो वालों को दिखाते हैं उनकी रिएक्शन। भाई मेरे को सबसे अच्छा चीज लगा कि इसका एक्सटर्नल डिस्प्ले बड़ा कर दिया इन्होंने। क्या भाई बाहर की भी स्क्रीन क्या है, मस्त दिख रही है भाई। भाई इसमें तो मेन कैमरा से भी सेल्फी ले लूंगा मैं। आप इसको एक नॉर्मल स्क्रीन के साथ यूज कर सकते हो, पिंच आउट करो तो ऐसे सारा ऐसा मल्टी विंडो खुल जाता है, उसमें आपको जो खोलना है वो खोल लो। और इसके बाद अगर आप ऊपर से करोगे तो आपके भाई वाईफाई, ब्लूटूथ सारी चीजें वो ऊपर से भी ऑन हो जाती है। और मतलब फोन खोले बिना लेट्स से आपको स्लीप मोड में डालना है तो भाई स्लीप मोड में डाल दिया। एक चीज मेरे को फील हुई कि जो बाहर वाली स्क्रीन है वो एक फिक्स 60Hz की स्क्रीन है, तो थोड़ा सा बैटरी आपकी लगी। ये इसके साथ ना कवर आते हैं, मेरे को काफी कूल लगे, मेरे को लगा भाई महंगे क्यों आते, फिर मेरे को पता चला मैंने एक बार इसको लगाया ना ऐसे NFC वाले कवर देखो, जैसे मैं इसको ऐसे लगाऊंगा
भाई वॉलपेपर चेंज हो गया था। अगर हम पर्पल लगाता हूँ, नहीं देखो पर्पल वाले में कैसा होगा टेक्चर। ऊपर ये वाला केस भी इंटरेस्टिंग लगा भाई, मैंने तो नक्शा दे रखा है पूछ नहीं भाई। अब आ गया ना ये असली स्टैंड, ये कवर अलग से लेना पड़ेगा। और इसके कवर में खास बात यह है कि कवर एक स्टैंड है, ये पूरा फोन ही स्टैंड था। अब आपको कवर की अलग से क्यों जरूरत है भाई? ये वाला भी काफी कूल लग रहा है, लेदर का है भाई कवर। भाई देखो मैं सही बताता हूँ, महंगे तो थे बट वर्थ है। अंदर वाली स्क्रीन भी भाई, क्योंकि आपकी फोल्ड हो जाती है तो उसका काफी सारी चीजें कर सकते हो। अपना लैपटॉप पे बैठे हुए साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी आती है। और फोन में अगर थोड़ा फोल्ड करके फ्लैट रखो तो आपको भाई नेटफ्लिक्स यूट्यूब देखना तो आसानी से देख सकते हो। पर एक चीज मेरे को और काफी इंटरेस्टिंग है, सैमसंग ना कार्बन एमिशन और सस्टेनेबिलिटी पे काफी ध्यान दे रहा है। जैसे इस वाली में भी अगर आप देखोगे तो रिसाइकल्ड मटेरियल्स काफी यूज हुए हैं, और बाकी सारी चीजें जैसे एल्यूमिनियम है इसमें साइड्स में, ये भी पूरा रिसाइकल्ड है। एक चीज मेरे को और मैंने काफी कूल ट्राई करी, हमने इसके अंदर ना गेम वाला एमुलेटर डाल दिया था तो ऐसा गेम पैड बन गया था, काफी अलग सा और अजीब सा लगता है भाई। वैसे फोल्डिंग फोन में ना गेम खेलने में अलग सा मजा तो आता है भाई। है एक फोल्डिंग फोन बट बिल्कुल भी लैग या डिले या फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आ रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है यार। इसमें प्रोसेसर भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है, और जो रैम वैम भी है वो भी DDR5 रैम है। प्रोसेसर तो एक पार्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे इसके अंदर जो स्टोरेज भी है वो भी UFS 4.0 है। ये एक्चुअली बहुत ही हाई क्वालिटी स्टोरेज है, और ये पहली बार मैं एक्चुअल फोल्डेबल फ़ोन में ट्राई कर रहा हूँ। और इस वाले प्रोसेसर के साथ इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन भी थोड़ी बेटर हो जाती है भाई। ग्राफिक्स भी अगर मैं दिखाऊँ तो अल्ट्रा HD पे आप चला सकते हो। अब बाहर वाली स्क्रीन पर भाई अच्छे से खेल ली, अब आ गया असली टाइम, अब आएगा ना असली मज़ा भाई। छोटी स्क्रीन में मज़ा तो आता है खेलने में, स्क्रीन के ऐसा लग रहा है नीचे स्पीकर लगा रखा है, बड़ी तेज वाइब्रेट कर रहा है। और छोटी स्क्रीन मतलब सही है यार, मतलब एक आप एक नॉर्मल स्क्रीन की तरह यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली नीचे वाला पार्ट भी है स्क्रीन है, बट खाली ऊपर वाले पार्ट तक का ही यहाँ पे चलता है ऐसे स्क्वायर में। मेरे को ना आदत हो गई है ऐसे मोड़ने की, बट काफ़ी स्टर्डी फील होता है यार। फ्रंट साइड में आपको 10 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिससे हमको ज्यादा फोटो खींचने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि बैक साइड वाले से ही सारा काम हो जाता है। और बैक साइड वाला कैमरा यूज करना मेरे को, वैसे मैं फ्रंट वाले से भी आपको खींच के दिखा देता हूँ, अच्छी आती है फोटो। मतलब जैसे हमने जितनी भी सेल्फी खींची है ये तो अच्छी लाइट में, बट इस लाइटिंग में तो ऑफकोर्स अच्छी आएगी ही, बट यूजुअली भी हमने नॉर्मली जितनी खींची भाई उसमें डिटेल कलर्स कॉन्ट्रास्ट सारी चीजें काफी प्यारी थी। एकदम ही फ्लैगशिप नहीं है, फ्लैगशिप का अगर 10 है तो इसका 7 आप बोल सकते हो। बट एक चीज मेरे को काफी प्यारी लगी, वो है इसका बैक कैमरा। सैमसंग के फ्लैगशिप का बैक कैमरा अगर 10 में 10 है तो ये 10 में से 8 होगा, बट जो फ्लैगशिप का जो बैक वाला कैमरा है वो 10 में 10 होगा। फिर उसके बाद फ्रंट वाला कैमरा फ्लैगशिप का भाई 10 में से 5 होगा। तो ये इससे बैक साइड वाला कैमरा इसमें चाहे 10 में से 8 हो, बट भाई बैक वाला फ्रंट वाला दोनों भाई 10 में से 8 आपको फोटो आ जाती, तो भाई आपको तगड़ी फोटो आ जाती है भाई। आप समझ लो बैक वाले से आप फोटो खींचो, मैं ना इसको उल्टा करके खींचता हूँ क्योंकि मेरी आंखें एकदम ऐसे बराबरी में, ऐसे फोटो खींचता हूँ सेल्फी, और काफी तगड़ी आती है फोटो। और जो डिटेल्स है कलर्स हैं सारी चीजें भाई एकदम टॉप नॉच फील होती है। पहले छोटी स्क्रीन होती थी तो आप ज्यादा देख नहीं सकते थे, और इसमें अब भाई अब कुछ भी आपको करना है भाई, वीडियो बनानी है वीडियो चालू हो जाओ, ये लो डन। What is up guys? ये वाली हम वीडियो बना रहे हैं बैक साइड वाले कैमरे से, और OIS भी है बैक साइड वाले कैमरे, तो आपको व्लॉगिंग भी ऐसे ऐसे करनी है। यो दिस इज माई फ्रेंड्स ब्रो, एंड इसमें से एक थोड़ी सा ये है कन्फ्यूजन आती है, समझ लो मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को लगेगा भाई मैं हॉरिजॉन्टल में कर, बट एक्चुअल हॉरिजॉन्टल में ऐसे होगी। और एक चीज और काफी तगड़ी रखती है भाई, फ्रंट में ना आप फोटो खींचते टाइम देखो जैसे ऐसे मैं कैमरा है इसको जूम आउट कर भाई, अब आई ना फोटो में मजा आया। देखो इस टाइप की फोटो आप नॉर्मल फोन से नहीं खींच पाओगे। इसमें दो कैमरे का सेटअप है बैक साइड में, एक 12 MP अपना नॉर्मल और 12 MP वाइड। वाइड में नॉर्मल में फोटो वीडियो डेफिनेटली भाई काफी सॉलिड आती है। और कैमरे से आप एक दो चीजें और कर सकते हो, ऑफ कोर्स स्टैंड की तरह यूज करके अपनी फोटो खींच सकते हो, उल्टा जमीन पे रख के आप भाई अलग अलग एंगल पे आप फोटो खींच पाओगे। फिर आपको अगर अंधेरे में फोटो खींचनी है तो भाई ट्राईपॉड की आपको जरूरत नहीं है, आप भाई ऐसे स्टूल के ऊपर रख के नाइट मोड में आप फोटोज खींच सकते हो। और बाकी सारी चीजें और सेंसर एंसर होते हैं इसके अंदर, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB 3.2, OTG, 3700mAh बैटरी है, प्लस 25W की आपकी चार्जिंग है, 15W की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग भी 4.5W। ओवरऑल अगर मैं आपको एकदम सीधा सीधा बताऊं तो ये एक्चुअली एक यूजेबल स्मार्टफोन है। फ्लैगशिप से इसका प्राइस भी काफी ज्यादा कम है, और इतने कम प्राइस में पूरा ही फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल पाना, प्लस एक शो ऑफ फैक्टर भी आता है, फ्लिप फोन है आपका अपना, जूम जूम करके आप चला रहे हो। अगर आपको खरीदना है मैं थोड़ा ऑफर सब सारी वीडियो में बताता हूँ। इस वाले पे प्री बुक वाला ऑफर चल रहा है 27 जुलाई से, ₹12,000 का अपग्रेड ऑफर है, ₹8,000 कैशबैक मिल जाएगा। बेसिकली 20,000 तक के फायदे हैं अगर आप अपग्रेड ऑफर यूज करते हो, तो आपको पड़ जाएगा ₹80,000 का, वैसे ₹1,00,000 का राउंड का इसका स्टार्टिंग प्राइस है। हाँ भाई डेफिनेटली मेरे को पर्सनली काफी पसंद आया इसको यूज करके इतने, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।